नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रवेश सैनी, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा सर्दी जुकाम की दवाई के बारे में। दोस्तों, होम्योपैथिक में जो दवाई होती हैं वो रोग के लक्षणों के आधार पर होती हैं। जैसे जैसे रोग के लक्षण बदलते जाते हैं ऐसे ही दवाई अलग अलग हो जाती हैं। तो अगर आपको सर्दी जुकाम खांसी है तो आप अपने लक्षणों के आधार पर दवाई का चयन करें। तो दोस्तों, आइए बात करते हैं सर्दी जुकाम खांसी में। अक्सर क्या होता है, वर्षा में भीगना, ओस, सर्दी लग जाना, बहुत देर तक भीगे कपड़े पहनना, बहुत ज़्यादा ठंडा गर्म का सेवन करना, बदहजमी आदि के कारण सर्दी जुकाम हो जाता है। तो इसमें शरीर में सुस्ती, बदन में अंगड़ाई, जमाई आना, सिर में दर्द, भारीपन, आँखें लाल हो जाती हैं, छींक पर छींक आती है, आँख से नाक से पानी आता है, बुखार, खांसी आदि की समस्या पैदा हो जाती है। तो दोस्तों, जब सूखी ठंडी हवा, अक्सर सर्दी में क्या होता है, सूखी ठंडी जो हवा होती है वो लग जाती है। बाहर बाइक पर गए सर्दी के मौसम में और बाहर से आए हैं तो सर्दी लग जाती है। तो ऐसे में अगर आपको ठंड महसूस हुई है, सिर दर्द है, आँख से पानी छींक आ रही है, सूखी खांसी बार बार आ रही है, बेचैनी हो, बहुत ज़्यादा दम घुटा सा अगर आपको लगे और खुली हवा में अच्छा लगता है, तो ऐसे में एकोनाइट 30 की 3-4 खुराक दिन भर में आप 3-4 बार लीजिए, आपका जो सर्दी जुकाम की समस्या है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। दोस्तों, कभी कभी क्या होता है कि चिड़चिड़ापन, तेज सर दर्द के साथ नज़ला जुकाम, नाक से बहुत पानी आता है और होंठ सूखे रहते हैं, आप जरा भी बोलेंगे, छींकेंगे तो आपके बदन में दर्द होगा, होंठ इसमें सूखता है, कभी कभी कब्ज की भी समस्या हो जाती है। तो इसमें ब्रायनिया बहुत अच्छा काम करती है। ब्रायनिया 30 की आप 4 गोली दिन में 4 बार लीजिए, आपका जो जुकाम है, सर्दी है, वो सही हो जाएगा। कभी कभी दोस्तों, जो हमारा जुकाम होता है वो पक जाता है, तो ऐसे में हरा पीला जो बलगम टाइप का आता है, मुंह में स्वाद ना लगे, प्यास ना आपको लगे, ऐसे में पल्सेटिला 30 की 4 गोली आप दिन में 3 से 4 बार ले सकते हैं, 5-6 दिन के लिए आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी। कभी कभी दोस्तों, सर्दी के कारण लगातार छींकें आती हैं और अगर आप गर्म कमरे में जा रहे हैं तो आपकी जो छींकें हैं, जुकाम है, वो बढ़ जा रहा है, नाक से बहुत ज़्यादा पानी की तरह, एकदम पानी की तरह जलनयुक्त अगर आपके नाक से पानी आता है, जो नाक में जलता है, नाक में लगता है, साथ ही साथ इसमें सिर दर्द, खांसी और आवाज़ बैठी हुई सी महसूस लगे, आँखों में पानी आए, एलियम सीपा 30 आपको लेनी है। एलियम सीपा 30 की 4 से 5 गोली 2-3 घंटे के अंतर पर लेते रहिए, आपका जो जुकाम है सही हो जाएगा। कभी कभी नाक से जख्म कर देने वाला इस तरह का म्यूकस डिस्चार्ज आता है, नाक से पानी आता है, आँख व नाक में जलन होती है, बेचैनी होती है, थोड़ी थोड़ी देर में थोड़ा थोड़ा पानी पीने की इच्छा होती है, कमजोरी महसूस हो, बुखार हो, सिरदर्द हो, सभी लक्षण गर्मी में गर्म चीज़ों के उपयोग से घटते हों। अगर आप गर्म पानी पी रहे हैं या भाप ले रहे हैं तो ऐसे में आपको आराम मिल रहा है, तो इसमें आर्सेनिक एल्बम 2 से 3 घंटे के अंदर पे आप ले सकते हैं। गले में व सिर में दर्द हो, चेहरा एकदम लाल हो, तमतमाया हो गया हो, नींद गायब हो, जुकाम खांसी हो, तो इसमें बेलाडोना 30 बहुत अच्छा काम करती है। और दोस्तों, जब नाक से पीला, गाढ़ा पीला हरा बलगम आए, चिपचिपा बलगम आए, जो धागे की तरह खींचे, तो इसमें कालीबाई 30 दिन में 3 से 4 बार लेने पे आराम मिलता है। तो दोस्तों, वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप पर ज़रूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।